नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इमेज को एनिमेट कैसे किया जा सके, या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो इमेज को स्लाइड शो कैसे बना सके या वीडियो एनिमेशन कैसे किया जा सके, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है। उसके बाद एक URL टाइप करेंगे, gifmaker.me, zipmaker.me। सो zipmaker बेसिकली क्या करता है, zipmaker आपको इमेज को एनिमेट करने की फैसिलिटी देता है और स्लाइड शो बना सकते हैं, वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं, या अगर कहें मल्टीपल इमेज को यूज करके आप वीडियो बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट के बारे में और भी कुछ बताऊं, ये कम्प्लीटली फ्री है। फ्री का मतलब है इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लॉगिन सिस्टम नहीं है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप आसानी से इस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन कहने का मतलब यह है कि यह वेबसाइट में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होता। आपने कुछ भी बनाया और आप उसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि इसको हम बाद में यूज करेंगे या बाद में हम इसको डाउनलोड करेंगे तो वो नहीं होगा। कुछ समय के बाद वो इमेजेस या जो भी आपने एनिमेटेड वीडियो बनाई है या जिप फाइल बनाई है वो डिलीट हो जाती है। तो कोशिश करें जब भी आप इस वेबसाइट को यूज करें तो तुरंत ही आप इसको डाउनलोड करें और उसको आप अपने आवश्यकता अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। बीच में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है सेलेक्ट मल्टीपल इमेज, यहाँ से आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक एक करके इमेज अपलोड कर सकते हैं या मल्टीपल इमेज एक साथ अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वीडियो टू जिप, अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप उसको एज ए जिप के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वीडियो टू जिप भी कर सकते हैं। राइट साइड में अगर देखें कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में सबसे पहला ऑप्शन आया प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपने जो भी इमेज अपलोड किया है, या मैं अगर दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जो भी एनिमेटेड पार्ट है वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखेगा। कैनवास साइज है, कैनवास साइज को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी जैसी भी आपकी ज़रूरत है। एनिमेशन स्पीड है, यहाँ पर स्पीड को एनिमेशन का स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ, एनिमेशन का स्पीड कम करने का मतलब लेट अस सपोज कि मैंने इसको कम किया है, तो जब कम करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो एनिमेटेड इमेज है वो बहुत ही तेज़ी से एनिमेट होती, बहुत ही तेज़ी से घूमती रहेगी। एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में स्पेस या सेकंड इतना कम होता है कि आप उसको देख नहीं पाएंगे, या अगर अच्छे से हम उसको रीड नहीं कर, अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे पहली इमेज कौन थी। अगर एनिमेशन की स्पीड आप बढ़ा दें तो जितना आप एनिमेशन की स्पीड, तो वो होगा पहले इमेज से दूसरे इमेज के बीच में जाने का अंतराल होगा, या जो गैप होगा या जो समय होगा वो काफ़ी होगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो एनिमेशन का स्पीड जब मैं अपलोड करूँगा या जब मैं आपको जिप फाइल कोई बनाऊंगा तो आप उसमें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। रिपीट टाइम, जीरो टाइम का मतलब है उसको रेगुलरली आप रिपीट कर सकते हैं। म्यूजिक URL एक फैसिलिटी है, ऑल्दो मैंने इसको मैं नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। यहां पर YouTube का URL आप ऐड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। जैसे अगर आपको लगता है आपकी ज़रूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बिगिन टाइम इन सेकेंड, मतलब किसने सेकेंड के बाद वो चलना चाहिए, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। क्रिएट जिफ एनिमेशन, इस टैब के थ्रू आप इमेज को आप एनिमेशन कर बना करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंबाइंड एनिमेटेड जिफ, अगर आपके पास एक से दो ज़्यादा अगर जिफ फाइल है तो उसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। नीचे है वीडियो एनिमेशन, जैसा शुरुआत में मैंने बताया था कि आप वीडियो को भी एनिमेट कर सकते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्रिएट वीडियो एनिमेशन भी हम कर सकते हैं, फ्रेम एनिमेशन भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है, हम कुछ इमेज को अपलोड करके आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएं। तो मैं अपलोड इमेज में गया और मैंने अपने डेस्कटॉप पर कुछ इमेजेस मैंने अपलोड की हैं, तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, CPU को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को और माउस को। मैंने उसको ओपन किया। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इमेज को अपलोड करें तो कोशिश करें कि वो इमेज साइज में छोटी हो। छोटी होने का फायदा यह होगा कि जब आप अपलोड करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, बहुत वक्त नहीं लगेगा। जनरली हम मोबाइल के द्वारा खींची गई पिक्चर, या फिर अगर ऐसे कहें
फिर डिजिटल कैमरे से खींची गई पिक्चर का साइज काफी बड़ा होता है, तो अपलोड होने में वो काफी वक्त लगता है। तो कोशिश कीजिए कि वो इमेज का साइज छोटा हो, आप उसको क्रॉप करके एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इमेज अपलोड की है, आप राइट साइड में देखें कंट्रोल पैनल में इमेज एनिमेट हो रही है, अपने आप हो रही है। यहाँ पर एक और चीज भी आपको मैं बता दूं, जैसे आपने देखा कि ऑर्डर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑर्डर आपका आ रहा है सीपीयू है, उसके बाद कीबोर्ड है, फिर आपका मॉनिटर है, उसके बाद माउस है। मैं इसके ऑर्डर को चेंज करता हूं, तो सबसे पहले मैंने सीपीयू के बाद इसको ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, और यहाँ पर है एनिमेशन का स्पीड। अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ कैसे फर्क पड़ रहा है। मैंने एनिमेशन का स्पीड 100 मिलीसेकंड किया हुआ, तो देख रहे हैं इमेज बहुत तेजी से घूम रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं, इसको लगभग 2000 के आसपास करूं, तो आपको लगेगा कि हाँ इमेज तो मूव हो रही है, आसानी से मुझे दिख रहा है। मैं इसको और ज्यादा, मैं लगभग 4000 के आसपास इसको कर देता हूँ, या मैं कहूँ 5000 के आसपास मैंने इसको कर दिया, 5100। तो आसानी से आप देख सकते हैं ये माउस है, ये सीपीयू है, के बाद आपका मॉनिटर है, जैसा भी हमने अरेंज किया हुआ वैसे करके आप देख सकते हैं। अब मैंने बस, मुझे बस इतना ही सेट करना है, उसके बाद मैं नीचे क्रिएट जिफ एनिमेशन पर आता हूँ। मैंने क्रिएट जिफ एनिमेशन किया है और मुझे कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, वो हमारा इमेज एनिमेट हो गया। अब आप इसको व्यू कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड द जिफ किया और कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। हमारी इमेज जो है वो एनिमेटेड इमेज बन चुकी है, जिफ फाइल बन चुकी है। मैं इसको ओपन करके देखूँ ये कैसे दिख रहा है। तो ये हमारा एनिमेटेड इमेज है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। एनिमेटेड इमेज की एक खासियत यह होती है कि ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आपने एक बार अगर आपकी इमेज एनिमेट हो गई तो वो रेंडम हमेशा वो चलता रहेगा, कभी रोक आपका रोकने का कंट्रोल नहीं हो सकता, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपने, मैंने इमेज तो अपलोड कर रखा है, 4 इमेज अपलोड कर रखा है। अब इसी में आप चाहे तो कोई और इमेज ऐड कर सकते हैं या ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे आपने जिप तो एनिमेट कर दिया, अब इसी को मैं वीडियो एनिमेट कैसे करूं। वीडियो एनिमेशन में है कि का फायदा क्या होता है कि जैसा मैंने भी बताया कि जब आप जिप फाइल बनाते हैं तो उसका आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो इमेज चलती रहती है, एनिमेटेड इमेज चलती रहती है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप पॉज नहीं कर सकते हैं, आप प्ले या रिज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वीडियो एनिमेशन में वो एक वीडियो फाइल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका उस पर कंट्रोल होगा, आप इमेज को पॉज कर सकते हैं, उसको रिज्यूम कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से टैब को प्रेस करना है, क्रिएट वीडियो एनिमेशन, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, आपका ये वीडियो ना, आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड मैंने किया और ये कुछ सेकंड के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये बहुत छोटे साइज का डाउनलोड होता है, आपको नहीं कुछ एमबी एनबी हार्डली कुछ केबी का, डिपेंड करता है आपके पास कितनी इमेज। जैसे मैंने 4 इमेज अपलोड की है, तो 4 इमेज का है ये अपलोड हो, ये मेरा MP4 इसका बन गया है। मैं इसको रन करूँ, देखिए 20 सेकेंड के आसपास का ये वीडियो है, ये सीपीयू, ये मॉनिटर, उसके बाद आपका कीबोर्ड और फिर माउस, ये आपका MP4 फाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका ये फायदा ये कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, आप इसको चाहे, मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, ये सीपीयू पर रोक सकता, फिर मैंने रिज्यूम किया यहाँ पर, फिर मैं रिज्यूम करके, आप तो जैसी आपकी जरूरत रहती है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर किसी को चाहे तो। अब अगर आप एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज मॉनिटर, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड, ऐसे करके आप इसको प्रेजेंटेशन के समय या डिमोन्स्ट्रेट करते समय आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ अभी। तो ये इस साइट के थ्रू आप इमेज को, यहाँ पर 4 है, आप इसमें चाहें तो मल्टीपल इमेज ऐड कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी इसकी घटा सकते हैं, फिर इसकी बढ़ा सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि कम्प्लीटली फ्री है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो आप इस, लोग इसको यूज़ कीजिए और
इसके साइज बहुत छोटी होती है, जब आपकी इमेज, जब आपकी एनिमेटेड इमेज बन कर आती है या आपकी वीडियो बन कर आता है, तो आप इसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इमेज को एनिमेट भी कर पाएंगे, जिप फाइल भी बना पाएंगे और वीडियो फाइल भी बना पाएंगे। धन्यवाद।